हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। जैसा आप जानते हैं, हमने हेरिडियन एवोल्यूशन स्टार्ट किया था। इसके ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसपे हम लोगों ने जो है डीएनए से कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो बना दिया है। वो वीडियो वन में है, आप चाहिए तो देख सकते हो जाके। एंड सेकंड वीडियो में हमने जो इवोल्यूशन स्टार्ट किया था और हमने इवोल्यूशन के कुछ एविडेंस देखे थे। नाउ इन द थर्ड वीडियो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे डार्विन थ्योरी का जो था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो हम डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, लेमार्किज्म करेंगे एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो टुडे वी विल कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है, पहले सबसे हमें ये अंडरस्टैंड करना है। पर वो अंडरस्टैंड करने के पहले मैं एक चीज यहाँ पे और देखना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपने लिखा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और एक बात बता दूं आपको, मैं ये मैंने एज अ नोट्स बनाया है, आप इसे कॉपी कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे लिख लो पूरे नोट्स में, आप इसे एज इट इज लिख सकते हो आपके एग्जाम में भी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो देखो, डार्विन यहाँ पे जब बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, सो व्हाट इज मेंट बाय सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नाउ सी, इन आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बट हमें पता है कि विद द चेंज इन द एनवायरमेंट, जब हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, राइट, तो उन चेंजेस के साथ अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज नहीं करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरमेंट में या उस सराउंडिंग में रहने के काबिल नहीं है। इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो है क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है यहाँ पे, कि जो सर्वाइव कर पाया, ठीक है, तो जो सर्वाइव कर पाएगा वो कौन सा एनिमल होगा या कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, हमारा फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा। तो जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आना, तो क्या वो चेंज हम बात करते हैं एक दिन में, दो दिन में या एक साल में चेंज आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, नहीं। यहाँ पे जैसा आपको पता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स है, हम बात करें हमारे जो एनवायरमेंट है, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं कुछ ईयर्स के बाद चेंजेस आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपल में, जैसे आपको पता होगा जब इस वर्ल्ड में, इस पूरी धरती पे कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो आई होप आप सब जानते होंगे कि तभी ये धरती बहुत सुंदर, बहुत प्यारी थी, राइट। उस वक्त यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिकॉज कोई फैक्ट्रीज नहीं थी। बट जब यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ 200 साल पहले, तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो है धीरे धीरे पॉल्यूशन आना स्टार्ट हो गया। अब ये पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो पॉल्यूशन में सर्वाइव नहीं कर पाए, और जिन्होंने उस पॉल्यूशन में सर्वाइव करना सीख लिया, मतलब उन्होंने उसको अडेप्ट कर लिया, मतलब उनके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जो उस पॉल्यूशन में भी सर्वाइव कर पा रहे थे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सराउंडिंग के चेंज के साथ अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज करता है, तो वो जो है हमारे नेचर में सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एंड दिस इज व्हाट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं डार्विन के जो है नेचुरल सिलेक्शन की। तो यहाँ पे डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में क्या अंडरस्टैंड किया, कि जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखना, दिस इज इन दिस नेचुरल सिलेक्शन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स, ध्यान सुनना, बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट। तो यहाँ पे नेचर भी उसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा जो यहाँ पे फिट होंगे, अनफिट को नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा। और जो अनफिट होंगे ना, वो देखो क्या हो जाएंगे, पेरिशेस, मतलब वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा बच्चों। तो वो आगे इस धरती पे, वो ऑर्गेनिज्म जो है आगे उनकी चर्चा भी नहीं होगी, मतलब तो वो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे रहेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं, उनकी प्रजाति ही पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिटेस्ट जो होगा वो लीव करेगा, और रेस्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पेरिशेस, मतलब दे विल वैनिश, या फिर उनका डेथ हो जाएगा, या पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं नेचुरल सिलेक्शन को लेके, डार्विन्स ने जो ये नेचुरल सिलेक्शन दिया था, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेट्स सी। पहला ये है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में अगर नेचुरल सिलेक्शन के साथ अगर होता है, देखो नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या हो रहा है, नेचर ने उसे सिलेक्ट किया, नेचर ने उसे सिलेक्ट किया, मतलब वो फिट ऑर्गेनिज्म है, तो नेचर ने सिलेक्ट किया और वो सर्वाइव कर पा रहा है। तो नेचर, नेचुरल सिलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे यही एक ये रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। तो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है एवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, Darwin's theory did not mention any explanation about useful and useless modification. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन यूजफुल है या
यूजलेस है, इसके बारे में डार्विन ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट शो चेंज एंड सॉरी आई थिंक आई वांट टू राइट देयर स्लो, यहां पे स्लो लिखना है, ठीक है, SLOW, ठीक है। सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंज। अब देखो जैसे कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में ना कोई चीज चेंज होती है तो स्लोली चेंज होती है, किसी में एब्रप्टली मतलब सडन चेंज आ जाता है, और इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था डार्विन के इस नेचुरल सिलेक्शन की थियरी में। बट वेल कोई अगर इसकी हम ऑब्जेक्टिव्स को अगर छोड़ भी दे तो डार्विन ने यहाँ पे एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो डार्विन ने जो है यहाँ पे हम बोलेंगे जैसे हमारा जो एवोल्यूशन की थियरी थी तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो डार्विन के टर्म में ही हम अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। सो ग्रेट थैंक टू सर डार्विन। अब आगे बढ़ते हैं हमारा लेमार्किज्म। तो उसी लेमार्किज्म में अगेन हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही था लेमार्किज्म। पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो मुझे भी नहीं याद है, लेट्स सी क्या नाम है इनका पूरा। सी तो इनका पूरा नाम है बच्चों जेन बैप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है। तो ओके तो इनका नाम है लेमार्क बट इनके जो थियरी थी उसको यहाँ पे बोला गया लेमार्किज्म। या सी लेमार्किज्म क्या कहता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, देखो व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड मॉर्फोलॉजी इसका मतलब क्या होता है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसका बहुत यूज किया था। देखो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंज मतलब फिजिकल चेंज आता है, उसकी अपीयरेंस में कोई चेंजेस आता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, ये किसने कहा, लेमार्क ने कहा। तो क्या कहा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। फिर यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एंड द रीजन इज एक्टिवनेस और लेजीनेस। अब देखो ये एक्टिवनेस और लेजीनेस क्या है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अभी कोई ऑर्गेनिज्म बहुत एक्टिव होते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत लेजी होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंजेस आते हैं उनके एक्टिवनेस की वजह से या उनके लेजीनेस की वजह से, तो वो चेंजेस जो है ना बच्चों वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं, ऐसा इनका कहना है, बराबर। ऐसा किसका कहना है, लेमार्किज्म का, लेमार्क का। सर लेमार्क ये कह रहे हैं कि ये तो देखो इन्होंने क्या कहा, ही कॉल्ड इट कॉन्सेप्ट ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो इन्होंने क्या किया, इसको हमने बोला यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं हजम हुआ ये, तो अभी हजम हो जाएगा इस लाइन पे। मैंने कुछ नाम लिखा है भाई, जैसे जिराफ लॉन्ग नेक, जिराफ सबने देखा होगा, नहीं देखा तो पिक्चर में देखो, जिराफ लॉन्ग नेक। अब आप देख रहे हो पिक्चर में कैसे जिराफ का जो नेक है देखो बहुत लॉन्ग है। तो यहाँ पे लेमार्क भाई साहब ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया इसके लिए कि जिराफ का नेक जो है लॉन्ग क्यों हो गया। तो जिराफ क्या करता था, जो ऐसे बड़े बड़े ट्रीज थे तो वो उनके ना पत्ते खाने के लिए ऐसे अपने गला ऊपर लेता था, अपना गर्दन ऐसे ऊपर लेता था, तो गर्दन ऊपर लेते 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 उसका गर्दन जो है लंबा हो गया, और ये चीजें जो है ट्रांसफर होते गई नेक्स्ट जनरेशन में। तो अब अगर जिराफ का बच्चा पैदा भी होगा तो बड़े गर्दन के साथ पैदा होगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग कि अब ये चेंजेस वो जिराफ में जो पहले वाली जिराफ में आता, तो ये उसने क्या किया, उसके अंदर उसने चेंजेस लाया। अब ऐसा नहीं आप लोग भी डेली गर्दन ऊपर करो तो आपका गर्दन लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर होगा भी तो कई जनरेशन के बाद होगा। बट वेल पहले देखो ये थियरी एक्सेप्टेड है या नहीं फिर करना। तो जिराफ लॉन्ग नेक की बात की हम लोग ने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है शोल्डर ऑफ आयन स्मिथ। आयन स्मिथ मतलब जो लोहार होते हैं, अब उनके शोल्डर्स को आप देखो आयन स्मिथ बहुत हथौड़ा मारते हैं ना, हथौड़ा मार मार के उन लोग तो चीजों पे तो वर्कआउट करते ही, बट उनके शोल्डर्स जो है ना वो स्ट्रांग हो जाते हैं। या फिर हम बात करें जो वर्कर्स जो रोड पे काम करते हैं उनका, आप देखो कि शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो उनके शोल्डर स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि वो ज्यादा वर्क अपना ज्यादातर काम शोल्डर की मदद से ही उनका हो रहा है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मार रहे तो मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, और जिसका असर उनके इस पोर्शन पे दिखता है, तो ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांग है उनका शोल्डर। तो वो क्या कहते हैं, अभी वो शोल्डर स्ट्रांग है, तो इनका कहने का मतलब क्या है कि उनकी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी ना उनका भी शोल्डर स्ट्रांग होगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा, वेल आगे देखते हैं, आपको लगता है नहीं लगता कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंग्स ऑफ बर्ड्स। अब एक यहाँ पे एग्जांपल लिया ऑस्ट्रिच, सबको पता होगा ऑस्ट्रिच जो एक बर्ड है राइट, जिसका अंडा लगभग इतना बड़ा होता है, बाहर देख के समझ जाओ, ठीक है। तो अब ये जो ऑस्ट्रिच है ये ज्यादातर चलता है, दौड़ता है, उड़ता नहीं है, मतलब ये बर्ड है बट ये अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करता है। तो एज लेमार्क सेड कि यहाँ पे यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब बंदे ने मतलब उस क्या नाम है
ऑस्ट्रिच ने अपना विंग्स को यूज करना बंद कर दिया तो उसके विंग्स जो है वीक पड़ गए, और वो विंग्स वीक पड़ गए तो वो विंग्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता है और वही चीजें ट्रांसफर होते गई नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऑस्ट्रिच के अभी जो बच्चे पैदे होते हैं उनकी भी विंग्स वीक होते हैं, तो वो भी चलते हैं दौड़ते उड़ नहीं पाते, तो ऐसे ट्रांसफर होते गया। तो अभी जितने भी ऑस्ट्रिच है कोई उड़ता नहीं है क्योंकि उनके विंग्स वीक है, क्योंकि उनके पहले के जनरेशन वालों ने उनका यूज ही नहीं किया था, तो इनके कहने के हिसाब से वो लेजी थे, यूज ही नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात किया है लेग्स ऑफ बर्ड। तो यहाँ पे कुछ बर्ड जिनका नाम लिया डक। अभी कहते हैं कि डक में डक ने कुछ ऐसा अपने साथ कर लिया कि वो पानी में भी तैर सकता है जो कि बाकी बर्ड्स नहीं कर सकते, तो उसने अपने अंदर वो चेंजेस इनहेरेंट किया और वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब वो अपने न्यू स्पीशीज में, न्यू जनरेशन में उसने क्या किया, उसको ट्रांसफर किया। ठीक है, सो ये थियरी थी जिसको ये कहते हैं लेमार्किज्म। तो ऑल दीज आर एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, एक्वायर्ड है, सीन ही है यार, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल दीज आर माई एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुई है, एक्वायर हुई है, वो बंदे वो ऑर्गेनिज्म में खुद ने क्या किया, एक्वायर किया और फिर दूसरे जनरेशन में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लेमार्किज्म। तो इस थियरी को हम बोलेंगे क्या, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और शॉर्ट में लेमार्किज्म। बट रुको जरा रुको, देखो इधर क्या दिया है, डेवलपमेंट एंड डीजेनरेसी ऑफ ऑर्गन्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है, हम मानते हैं कोई ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप हो रहा है, उसका कुछ ऑर्गन डेवलप हो रहा है, जैसे जिराफ का नेक डेवलप हो गया, डक के पैर डेवलप हो गए, या किसी का कुछ डीजेनरेट हो रहा है, जैसे ऑस्ट्रिच का पंख ही डीजेनरेट हो गया, अब तो इस्तेमाल में ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो इनको हम मानते हैं ये चीज हो रही है, ठीक है, एक्सेप्टेड। बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ना, जैसा इन्होंने कहा कि वो चीज जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म ने जो एक्सेप्ट किया है कैरेक्टर को, इनहेरेंट किया है, वो ही कैरेक्टर को वो ट्रांसफर करेगा अपने दूसरे जनरेशन में टू अदर जनरेशन, इज रिजेक्टेड। उस चीज को रिजेक्ट किया गया बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट करके इन्हें ये ऐसा लगा नहीं कि ये चीजें जो है ट्रांसफर हो रही है कैरेक्टर्स, तो इस वजह से लेमार्किज्म जो थियरी थी रिजेक्ट हो गई। बट स्टिल मेहनत की है तो बुक में दिया है, थोड़ा पढ़ लो आप भी उनकी मेहनत को और थोड़ा लिख दो एग्जाम में। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब इसका कुछ डेफिनेशन है, जगह नहीं थी तो मैं बता देता हूँ क्या है। सी बुक में क्या दिया आपके, लास्ट लाइन जो है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच हैज रिक्वायर्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपना कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं जो उसने एक्वायर किया है बाय सम चेंजेस, ठीक है, टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझा होगा, राइट, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड अदर इज लेमार्किज्म। अच्छा, एक चीज और मैं नहीं बताया आपको, यहाँ पे एक बुक लिखा है मैंने, तो डार्विन ने एक जो बुक बनाई थी जिसका नाम दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उन्होंने जो है ये जो हमने जो भी पढ़ा डार्विन थ्योरी का, उसमें उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। मतलब डार्विन ऐसे थे कि वो बहुत सारे स्पीशीज पे एट अ टाइम काम कर रहे थे और उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीजें इवॉल्व हो रही है, वो स्टडी करके उन्होंने उसमें सब लिखा था। दैट इज व्हाट ही कॉल्ड, वो बुक को नाम दिया था, टाइटल दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स, एक लास्ट टॉपिक बच गया चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। So well, now the last topic which we have to deal is the human evolution, right? देखो मैंने आपके लिए ना बहुत सिंपल वे में इसे कर दिया है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे ईयर्स दिए हैं जो आपको याद रखने हैं, तो किस ईयर में ह्यूमन ने कैसे कैसे डेवलपमेंट किया वो मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल दिया एक्सप्लेनेशन। तो ये स्टार्ट कर देंगे, तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, बायोडाइवर्सिटी नोन टूडे इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज ट्रू। तो आज के टाइम पे जो एवोल्यूशन हो के आज हम जो इतने एडवांस लेवल पे आ गए हैं, तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एक बहुत स्मॉल चीज से या बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म से जो कि यूनिसेलुलर था, राइट। तो वहां से होते होते अब जाके हम यहाँ पे पहुंचे हैं, राइट। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की या ह्यूमन इवोल्यूशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने लिखा है लास्ट डायनासोर डिसअपीयर, जो सबसे, क्योंकि डायनासोर डिसअपीयर होने के बाद ही ह्यूमन इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ था। तो वो कब डिसअपीयर हुए थे, 7 crore years back, तो 7 crore 7 साल पहले जो है ये डिसअपियर हुए, उसके बाद फिर ह्यूमंस आना स्टार्ट हुए। फिर देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देन आवर एंसेस्टर्स आर मोर सिमिलर टू मॉडर्न लीजर। अच्छा, किसी को अगर ये मॉडर्न लीजर नहीं पता है क्या है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देखो लीजर कुछ ऐसे दिखते हैं,
और इनका जो फेस है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर था हमारे एंसिस्टर से, देयरफॉर इन्होंने बोला कि एंसिस्टर्स आर मोर सिमिलर टू मॉडर्न लीजर्स। ओके, इसके बाद है टेल डिजपियर। अब जो टेल था, अभी जैसे जो हमारे एंसिस्टर्स थे तो ऑब्वियसली दे हैव टेल, जैसे हमने लास्ट टाइम वेस्टिजियल लॉगन में पढ़ा था, तो वो जो टेल था वो डिजपियर होना स्टार्ट हुआ कब? 4 करोड़ ईयर एगो, 4 करोड़ साल पहले जो है वो डिजपियर होना स्टार्ट हुआ। इट्स लाइक मंकी इवॉल्व ड्यू टू डेवलपिंग ब्रेन। तो अब यहाँ पे जो है एप्स लाइक एनिमल, अब एप्स लाइक एनिमल डेवलप होना स्टार्ट हुए थे क्योंकि अब उनका जो है ना ब्रेन डेवलप होने लगा था, मतलब वो सोचने लगे थे, कुछ करने लगे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे गोरिलाज एंड चिंपेंजी इवॉल्व। अब ये गोरिला और चिंपेंजी इवॉल्व, जो आपको पता है गोरिला चिंपेंजी कितने ज्यादा डेवलप है, राइट, दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये इवॉल्व होना स्टार्ट हुए कब? 2.5 ईयर्स एगो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोजीशन। तो पहले तो कोई ऐसे हाथ पे भी चलते थे, पैर से भी चलते थे, मतलब ये ऐसे जैसे हम खड़े ना ऐसे नहीं खड़े रहते थे, पर ये जो है स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोजीशन, मतलब ऐसे सीधा खड़े रहने लगे और ग्रास लैंड पे सीधे चलने लगे। और ये कब हुआ बच्चों पता है? जब एक ऐसा टाइम आ गया था जब कहीं पे कोई ग्रास लैंड, मतलब कोई कोई ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उस वक्त यहाँ पे जैसे ट्री पे थे तो ये हाथ का भी यूज करते थे, उससे चलते थे दोनों बैलेंस करके, बट जब जमीन पे चलना था तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे खड़े होकर चलना चालू किया और वहां से फिर ये एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। तो इरेक्ट पोजीशन एंड यूजिंग हैंड्स फॉर देयर वर्क, और ये कब हुआ बच्चों? 2 करोड़ ईयर बैक ये एवोल्यूशन आया। उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, तो अभी जैसे हम हैं तो हमारे जैसा एक एनिमल जो तभी डेवलप हुआ उसका नाम था रामपीतस। अब आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है ह्यूमन एवोल्यूशन के डायग्राम दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे डायग्राम जो आप देख पा रहे हो, तो इसमें से मैं आपको बता दूं बच्चों, जो यहाँ पे आपका यस जो फोर्थ वन है दिख रहा है, तो जो फोर्थ वन है रामापेटियस, वो आपका जो है ना बच्चों वो यहाँ पे डेवलप हुआ। आप उसको देखोगे देखो कैसे वो एकदम इरेक्ट पोजिशन पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वो यहाँ पे डेवलप हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, एप्स ग्रो इन साइज एंड इंटेलिजेंसी। अब इनका साइज बढ़ने लगा और ये थोड़े इंटेलिजेंट भी होने लगे, और ये कब हुआ बच्चों? ये हुआ 40 लाख ईयर्स एगो, 40 साल पहले। इसके बाद बिकम मेंबर ऑफ जीनियस होमो। अब ये जीनियस होमो के मेंबर बन गए, जैसे होमो सेपियन होते हैं ना, जीनियस होमो इसके मेंबर बने, मतलब थोड़े से जीनियस होने लगे। अब उसको हमने यहाँ पे कब ये हुआ? 20 लाख ईयर्स एगो। उसके बाद स्किल्ड ह्यूमन डेवलप, फिर हमारे स्किल्ड ह्यूमन मतलब ये प्रॉपर स्किल हो गए, सारी चीजें में इनको स्किल आ गई, मतलब चीजें कैसे क्या होती है वो थोड़े समझने लगे। तो ये कब हुआ बच्चों? 15 लाख ईयर्स एगो। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपिंग ब्रेन एंड अपराइट पोजिशन, राइट, या अपराइट पोस्चर, जैसे अपराइट एकदम सीधे खड़े रहना। ठीक है, तो डेवलपिंग ब्रेन एंड अपराइट पोस्चर एंड डिस्कवर फायर, इन्होंने उसको फायर भी ढूंढा, और ये फायर कब ढूंढा बच्चों? 1 लाख साल पहले। इसके बाद एंटरिंग इन क्लास ऑफ वाइस मैन, अब ये वाइस मैन की क्लास में एंटर हुए जिनको नाम दिया गया होमो सेपियन, राइट। तो ये वाइस मैन, वाइस मतलब चतुर, मतलब ये सोचने लगे थे ये, तो ये वाइस मैन के इसमें एंटर हुए जिनको हम यहाँ पे बोलेंगे क्रो मैग्नॉन मैन। ठीक है, आप ये डायग्राम में देखो, मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखो तो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन सबसे लास्ट वाला है क्रो मैग्नॉन मैन, ये जो है अब डेवलप हो गया, इसे हम वाइस मैन कह रहे थे। और आप अगर इसका पोस्चर देखोगे, इसका स्टैंड होने का तरीका देखोगे, इसकी हाइट बॉडी देखो, तो प्रॉपर एकदम सेम हमारे जैसी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं कहूंगा नेक्स्ट, और ये कभी हुआ? 50,000 ईयर्स एगो, 50,000 साल पहले। फिर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, अब वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगे कब? 10,000 ईयर्स एगो, 10,000 ईयर्स एगो हमने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। उसके बाद बच्चों राइटिंग आर्ट्स, राइटिंग आर्ट्स हमने स्टार्ट किया 5,000 ईयर्स एगो। नेक्स्ट मॉडर्न साइंस, हमने मॉडर्न साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया बच्चों 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले। और उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई, वो हो गया बच्चों 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले से। तो इस तरीके से कुछ जो है हमारे पूरे मॉडर्न जो है क्या कहते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन होते गया। और साथ ही साथ अभी भी हम हमारे एंसेस्टर्स के बारे में चीजें सर्च कर रहे हैं कि ऐसे और कौन सी चीजें, ऐसा कौन सा और इवोल्यूशन जो हुआ था, वो अभी भी रिसर्च चल रहा है। बट वेल, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर ह्यूमन एवोल्यूशन टिल नाउ, एंड बाय दिस वी एंड आवर टॉपिक। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू डेफिनेटली, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक द स्क्रीनशॉट।